गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था औ की मात्रा। औ की मात्रा का व्यंजनों पर प्रयोग पढ़ा था हमने, और औ की मात्रा को किस प्रकार से लिखते हैं और औ की मात्रा को किस प्रकार से बोलते हैं, कल हमने ये सीखा था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम क्या सीखेंगे? औ की मात्रा से बनने वाले शब्द, कि औ की मात्रा से किस प्रकार से नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो आप लोग तैयार हैं हमारे साथ औ की मात्रा सीखने के लिए? उसके लिए हमें क्या करना है? अपनी बुक लेकर बैठना है, अमृतस्वर ज्ञान। अमृतस्वर ज्ञान के पेज नंबर 34 से हम क्या पढ़ेंगे? मात्रा ज्ञान, औ की मात्रा। औ की मात्रा से शब्दों का निर्माण पढ़ेंगे हम। औ की मात्रा से हम नए नए शब्द बनाएंगे और उन्हें लिखना और उन्हें पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ साथ आप पढ़ेंगे और अपनी अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले शब्द लिखेंगे कौवा। कौवा किस प्रकार से लिखा जाता है? कौवा तो हमें देखते हैं ना, हम हमारी छत पे, हमारे गार्डन पे, लेकिन कौवा कैसे बनता है? औ की मात्रा से। और किस प्रकार से लिखा जाता है देखिए आप। क औ की मात्रा प्लस आ, ये हमने पहले व्यंजनों को तोड़ के लिखा, अब हम इन्हीं व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे क, कमे औ की मात्रा कौ, आ कौवा, क्या बन गया? कौवा। कमे औ की मात्रा कौ आ कौवा। ठीक है, अब हमारा दूसरा शब्द है औरत। क्या सीखेंगे हम? तोड़ना और जोड़ना दोनों सीखेंगे हम, क्योंकि हमारे एग्जाम में तोड़ना भी आएगा और जोड़ना भी आएगा। इस प्रकार से प्रश्न दिया होगा, आपको जोड़ना होगा, या इस प्रकार से प्रश्न दिया होगा, आपको तोड़ना होगा। ठीक है, तो हम आज जोड़ना और तोड़ना दोनों एक साथ सीखेंगे। अब हमारा अगला नया शब्द है औरत। औरत किस प्रकार से लिखते हैं? अ प्लस औ की मात्रा प्लस र प्लस त, ये हमारा शब्द क्या बनेगा, किस प्रकार से बनेगा? औ र त, औरत। शब्द हमारा बना औरत। पहला शब्द था कौवा, दूसरा शब्द था औरत। अब हम तीसरा शब्द लिखेंगे खिलौना। क्या लिखेंगे हम? खिलौना। खिलौना किस प्रकार से लिखेंगे? ख, ख में छोटी की मात्रा खी प्लस ल, ल के साथ औ की मात्रा लौ प्लस ना, और इस तीनों को मिला के हम शब्द बनाएंगे। हमारा शब्द बनेगा, सबसे पहले यहां से हम लेंगे ख खी, ल में औ की मात्रा लौ, यहां से शब्द उठाया हमने और यहां पूरा किया खिलौना। शब्द हमारा क्या बना? खिलौना। ख में ई की मात्रा छोटी, ई की मात्रा खी, ल में औ की मात्रा लौ, न में आ की मात्रा ना, शब्द हमारा बना खिलौना। कौवा, औरत, खिलौना। अगला शब्द है हमारा लौकी। क्या बनेंगे हम? लौकी। लौकी के लिए क्या लिखेंगे पहले व्यंजन? ल, ल प्लस औ की मात्रा लौ प्लस क, और क में बड़ी की मात्रा, ये हमारा शब्द बनेगा यहां से। ल में औ की मात्रा लौ, क में बड़ी की मात्रा की, लौकी। शब्द क्या बन गया हमारा? लौकी। ठीक है, पहला शब्द है हमारा कौवा, दूसरा शब्द है हमारा औरत, तीसरा शब्द है हमारा खिलौना, और चौथा शब्द है हमारा लौकी। ठीक है, इस प्रकार से हमें शब्दों को तोड़ना और जोड़ना दोनों आना चाहिए। ठीक है, अब हम और नए नए शब्दों को तोड़ेंगे और उसको लिखना आपको बताएंगे।
कि किस प्रकार से हम औ की मात्रा के शब्दों को तोड़ते हैं और उसे फिर जोड़ते हैं। अगला शब्द हम लिखेंगे फौज। फौज, फौज के लिए क्या आएगा? फ प्लस औ की मात्रा, फौज। फौज शब्द किस प्रकार से बनेगा? यहां से लेंगे फ, औ की मात्रा लेंगे फौज। फौज क्या हो जाएगा हमारा शब्द? फौज क्या बन गया? फौज। आया आपको समझ में? अब हम क्या करेंगे? अगला शब्द हमारा लेंगे हम हथौड़ा। क्या शब्द लेंगे हम? हथौड़ा। किस प्रकार से लिखेंगे हथौड़ा? ह प्लस थ प्लस औ की मात्रा प्लस ड़ा, और इसको हम तीनों को मिलाकर नया शब्द बनाएंगे। क्या बनेगा? हथौड़ा। ह थो ड़ा हथौड़ा, शब्द हमारा बना हथौड़ा। ठीक है, अब हम चार वर्ण वाले शब्द बनाएंगे। कितने वर्ण वाले शब्द? चार वर्ण वाले शब्द। किस प्रकार से बनते हैं देखेंगे आप। अब हम शब्द बनाएंगे चौकीदार। नया शब्द हम क्या बनाएंगे? चौकीदार। ठीक है, चौकीदार बनाने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे? च प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस ई की मात्रा प्लस दा आ की मात्रा प्लस र। हमारे यहां पर शब्द बन के क्या आएगा? चौकीदार। कैसे बनेगा? च, च में औ की मात्रा चौ, क का में बड़ी ई की मात्रा की, द, द में आ की मात्रा दा, र, चौकीदार। शब्द हमारा क्या बना? चौकीदार। अगला शब्द बनाएंगे हम, हमारा अगला शब्द शुरू से पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हम शब्द क्या करेंगे? शुरू से पढ़ेंगे। ये दो वर्ण वाला शब्द बनाया था हमने, ये तीन वर्ण वाला शब्द बनाया था, और ये चार वर्ण वाला शब्द बनाया था। तो किस प्रकार से हम दो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे, तीन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे और चार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे हम, हमारे साथ साथ पढ़ेंगे आप। कौवा औरत, बोलिए औरत। खिलौना खिलौना। लौकी लौकी। फौज फौज। हथौड़ा हथौड़ा। और चौकीदार। क्या शब्द बना हमारा? चौकीदार। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? औ की मात्रा के शब्दों का निर्माण करना है, उन्हें तोड़ना है, उन्हें जोड़ना है। परीक्षा में आपको इसी प्रकार से आएगा, आपको इसी प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है बच्चों, आपको इस तरफ से प्रश्न आएगा, आपको उत्तर इस तरह का लिखना है। आपको इस तरह का प्रश्न आएगा, आपको उत्तर इस तरह से लिखना है। तो आपको दोनों प्रकार से लिखना आना चाहिए। ठीक है, एक बार हम शुरू से फिर से पढ़ेंगे। क प्लस औ की मात्रा आ कौआ। अ प्लस औ की मात्रा रत औरत। खी प्लस ल प्लस औ की मात्रा ना खिलौना। ल प्लस औ की मात्रा की लौकी। फ प्लस औ की मात्रा ज फौज। ह प्लस थ प्लस औ की मात्रा प्लस ड़ा हथौड़ा हथौड़ा। च प्लस औ की मात्रा की प्लस द प्लस र। हमारा शब्द बना चौकीदार। तो इस प्रकार से हमें पेज नंबर 34 से नए नए शब्दों को बार बार लिखकर अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और नए नए शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन लिखने का अभ्यास आपको करना है इस पेज से, और नए नए औ की मात्रा के शब्दों को हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से,
अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाय।